लैंड फायर वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लैंड है। तो पहले से आप सब पढ़ते आए हैं कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और लैंड कहने से ही आप समझ जाते हैं कि जो हमारे जिस पर हम लोग रहते हैं जो हैबिटेट है उसी को लैंड। और इस अर्थ पर 30% लैंड है और 70% वाटर। और इस 30% पर भी पूरे पर जो है इनहैबिटेड नहीं, लोग रहते नहीं, रहते हैं उसके उससे बहुत ही कम। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड पर, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण होता है कि इस लैंड का और क्लाइमेट, जहाँ पर सुटेबल लैंड रहेगी वहाँ पर पॉपुलेशन भी पाई जाएगी और जहाँ पर लैंड के साथ साथ क्लाइमेट भी अच्छी चाहिए रहेगा, सुटेबल क्लाइमेट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि लैंड में जैसे कि आपका हो गया पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं पॉजिटिव ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो इसमें पहला मेन कारण है लैंड। लैंड में कैसे, जैसे आप लोग समझ लीजिए रैक टोपोग्राफी, रैक प्रॉपर टोपोग्राफी। रैक का मतलब क्या हो गया? रैक रैक का मतलब ये हो गया कि जो लैंड है वो तो प्लेन नहीं, ऊंची नीची है, जिसको आप लोग ओवर कवर कहते हैं, जो रहने के लिए सुटेबल नहीं, उसी को कहेंगे हम रेड प्रॉपर्टी। और इसके बाद आता है स्टीप, स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप्स में क्या आता है? स्टीप स्लोप्स मतलब कि जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स से जो एकदम ढलान होती है। स्टीप का मतलब आप लिख सकते हो ढलान, जो एकदम खड़ी ढलान होती है। ये दूसरा रीजन हो गया। इसके बाद और भी है जहाँ लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज जहाँ लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज में जहाँ की पानी लग जाता है बरसात के दिनों में, बाढ़ का खतरा रहता है, वहाँ भी लोग कम पाए जाते हैं। जैसे आप एकदम नदियों के किनारे वाले क्षेत्र में पाए, जहाँ पर ये डैम वगैरह नहीं बने हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है। इसके अलावा कि जो डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरिया समझ रहे हैं जहाँ पर क्रॉप्स जो है वो स्लो ग्रो हो गए, डेजर्ट एरिया। तो ये सब लैंड के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर कि पॉपुलेशन बहुत ही कम पाई जाती है, मतलब कि
कहने का ये है कि यहाँ पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में आती है। ये सब कैसे हैं? दीज ऑल आर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। कैसे एरिया है? स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, पॉपुलेटेड एरिया है। स्पार्सली मतलब बहुत कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो डेंस पॉपुलेटेड एरिया कौन सी? डेंस पॉपुलेटेड एरिया में वो एरिया आती है जो वैली, जो नदियों की घाटियां होती हैं, वैली रीजन्स। ऐसा क्यों है कि वैली रीजन्स में क्रॉप ग्रो वेल? क्रॉप्स आर ग्रोन वेरी वेल, तो इसलिए। और प्लेन्स में, प्लेन्स ये क्या है, क्यों यहाँ पर पॉपुलेशन पाई जाएगी? सुटेबल फॉर इंडस्ट्री, जैसे आप ले सकते हैं एक्टिविटीज में रोड हुआ, डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पाई जाएगी जहाँ पर लैंड अच्छी है, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो ये हो गया लैंड के बारे में बोल रहे हैं। तो कॉलेज में सिर्फ हम लोग लैंड का ही, यहाँ पर लैंड को ही डिस्कस करें, क्लाइमेट को नहीं। तो ये हुआ। इसके बाद आते हैं हम लोग लैंड यूज। दूसरा पॉइंट हमारा है लैंड यूज। लैंड यूज, लैंड हम लोग अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं। लैंड आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, सच एज माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। हाउस कॉम्प्लेक्स, एक्सेट्रा, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस जहाँ की हम लोग लैंड यूज करते हैं। इसको, इन सब को मिला करके हम लोग कहते हैं लैंड यूज, जितने भी काम में आए। और इसके बाद है ये जो
लैंड यूज है इसको क्वांटिटेटिव कैसे हमें ये पता चलता है कि ये किस काम की जमीन, कितने तरह के ये काम में आ सकती है। तो ये लैंड की टोपोग्राफी, लैंड यूज, लैंड यूज आर डिटरमाइंड बाय टोपोग्राफी। Its topography. Land is determined by its topography. Topography क्या होती है? Topography होती है कि जो land है वो किस तरह की, plain है कि mountain है कि plateau है कि कैसी है? जो अर्थ सर्फेस का की upper layer होती है उसी को हम लोग topography। तो जैसे हमको फिशिंग करनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि रिवर्स और सीज के किनारे ही हो सकता है। तो इसके अलावा और कारण है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां वाटर रहेगा वहां पर पॉपुलेशन रहेगी। विदाउट वाटर हम लोग लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए जहां वाटर नहीं है वहां पर पॉपुलेशन डेंस नहीं हो सकती है। तो इस तरह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी दो चीजें डिटरमाइन करती हैं कि लैंड यूज कैसे। अब बहुत सारे कोड पड़ा हुआ अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसको हम नहीं निकाल सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम लोग इंडस्ट्री नहीं स्टेब्लिश कर सकते। और ये सारी चीजें जो हैं वो लैंड यूज को डिटरमाइन करती हैं। तो लैंड यूज को, लैंड को क्लासिफाई किया जाता है, किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कॉमन नाम सही लग रहा है ना, कॉमन मतलब जिसमें
ये सबका शेयर, कॉमन मतलब जिसमें सबका शेयर हो, जो किसी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी हो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन लैंड या कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या आता है, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया और फॉरेस्ट के साथ साथ ही फॉर्डर चारागाह जिसे जानवर के कहते हैं, फॉर्डर बॉर्डर हो गया, फलों के बगीचे हो गए जैसे फ्रूट्स हो गया, ये सब कॉमन लैंड। तो किस तरह से ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यूज हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इतने पॉइंट हुए आपके। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका आएगा अभी। हाँ, इन सब चीजों को कॉमन लैंड को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट डालते हैं। पॉपुलेशन हमारी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ा। ड्यू टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, लैंड यूज हैज बिकम वेरी कॉमन। तो जो कॉमन लैंड थी प्राइवेट लैंड तो वैसे ही रह गई। तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों की नीड, लोगों ने नीड को फुलफिल करने के लिए इस कॉमन लैंड का एनक्रोचमेंट शुरू कर दिया, अतिक्रमण शुरू कर दिया। वो कैसे, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए जंगलों की कटाई होने लगी, और जो जमीनें थी हाउस कॉम्प्लेक्स बनने लगे। तो इस तरह से जो लैंड थी उसका यूज करके उन लोगों ने इसका इन्वेस्टमेंट किया और खेती एग्रीकल्चर की जमीन को बढ़ाई। किस चीज, कॉमन लैंड।